देखो नर्वस तो डेफिनेटली होता है ना, बिकॉज नया कंटेंट है, नई टाइप की पिक्चर है, बट कॉन्फिडेंस बहुत है क्योंकि पिक्चर बहुत अच्छी है और आजकल कॉमेडी का ज़माना है और फुल ऑफ कॉमेडी है। और आज बल्कि क्या होगा, सब पता चल जाएगा इसमें कौन है और कौन नहीं है। अभी तक तो हम लोग छुपा रहे थे ना कि ये है नहीं, पता नहीं मुझे क्या है, ट्रेलर में कुछ दिखता है कुछ नहीं दिखता है। अभी दो घंटे से भी कम है, 1 घंटा 57 मिनट है टोटल, उसी में पता चल जाएगा। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड इट्स समथिंग दैट यू जस्ट लीव योर ब्रेन्स बिहाइंड एट होम, कम एंजॉय द फिल्म, हैव सम पॉपकॉर्न एंड गो बैक। एंड आई थिंक विद द करंट सिनेरियो एवरीवन वांट्स दैट लिटिल लेट बैक टाइम एंड आई थिंक दिस फिल्म इज गोना ऑफर जस्ट दैट। ओह आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज़ कम फ्रॉम द यू नो इंस्टीट्यूट ऑफ विस्क्राफ्ट व्हिच आई हैव यू नो बीन वर्किंग विद फॉर सो लॉन्ग एंड वाशु बगनानी जी एंड हनी एंड जैकी, तो एवरीबडी इज़ अ फ्रेंड। आई वुड लव टू सी व्हाट दे हैव डन एंड ऑब्वियसली आईफा में शूट हुआ है तो हम भी पार्ट ऑफ आईफा होते हैं हमेशा हर साल, तो वी वेटिंग टू सी क्या यू नो क्या जलवा दिखाते हैं। और एंटरटेनमेंट है तो ऑब्वियसली नाइट विल बी वेरी फन। वो डबल रोल में नज़र आ रहे हैं, ऑब्वियसली एक गुड साइड एक बैड साइड, तो वो एक ह्यूमर एलिमेंट है एंड ऑब्वियसली करण मिलबीन इज एलिमेंट एंड सोनाक्षी इज देयर, दिलजीत, बहुत सारे लाइनअप है स्टार्स के एंड लगता है बहुत धमाल आएगा। वेलकम टू न्यूयॉर्क, बहुत अच्छी होगी। विस्क्राफ्ट वाले फर्स्ट टाइम पिक्चर बना रहे और आंद्रे सबास विराव हमारे दोस्त हैं, वाशु जी हमारे दोस्त हैं, फैमिली हैं, तो आई थिंक ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। आई थिंक बहुत अच्छी पिक्चर होगी, देखते हैं। मुझे दिलजीत बहुत पसंद है, हमने उसके साथ बहुत सारी पंजाबी फिल्में भी बनाई हैं और आई थिंक अच्छी है पिक्चर, अच्छी है, मल्टी स्टारर होने से और सोने पे सुहागा ही है, तो आई थिंक इट विल डू वेल। जी मैंने आंद्रे पहली बार, सबसे बड़े विराफ आंद्रे और सब्बास जो हैं वो दे पार्ट ऑफ काइंड ऑफ अ फिल्म फैमिली एंड आई विश देम ग्रेट लक टू वेंचर इन टू फिल्म प्रोडक्शन नाउ, बट आई एम नॉट गोइंग टू वॉच द फिल्म टुडे। मैं इनके लिए आया हूँ और इनको विश करने आया हूँ, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग द फिल्म। इसकी शूटिंग जब आईफा हो रहा था तो वहाँ पर कुछ उन्होंने शूटिंग की थी एंड आईफा से मैं 2000 से जुड़ा हूँ। आई वॉज द वन ऑफ द फर्स्ट एंकर्स ऑफ आईफा इन लंडन जब मिलेनियम डोम में किया था। दे आर वंडरफुल पीपल ऑल्सो, ऑल थ्री ऑफ देम, विस्क्राफ्ट के सारे जितने भी लोग हैं, ये सिर्फ फिल्म प्रोड्यूसर्स नहीं हैं, दे ऑल वेल विशर्स ऑफ ऑल ऑफ अस। सो व्हेन सम न्यू बेबी इज़ बॉर्न इन देयर फैमिली।